नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अंश प्रकाश टीवी। आज हम चंडीगढ़ के 4 नंबर कॉलोनी में पहुंचे हैं, जहां हम लोगों से उनकी समस्या के बारे में पूछेंगे कि यहां की क्या समस्याएं हैं और किन बातों को प्रशासन के सामने उठाया, लेकिन पर प्रशासन ने उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आइए हम जानते हैं कुछ लोगों की इसके बारे में राय। तो अंकल जी, आपका नाम? पहले मेरा नाम जगत नारायण पाठक है। अच्छा। और मैं 4 नंबर से हूँ और जो है मैं 4 नंबर से हूँ। मतलब मुझे मकान मिला हुआ है तो उसमें उन्होंने अलाटमेंट फार्म तो दे दिया, लेटर दे दिया है, लेकिन उसमें जो है उन्होंने जो वहाँ पर देखा गया है तो उसमें ना तो दरवाजे में है, ना दरवाज़ा सही है, ना शीशा लगे हैं और ना उसमें तारे वगैरह हैं, ना प्लेट है, ना यानी कुछ भी, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। फोल्डर अलग पड़े हैं, प्लेट कहीं है ही नहीं है उसमें, ना उसमें कोई तार वगैरह है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब अगर सरकार से बातचीत, कई आदमियों ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा हाँ हम बनवा कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने चाबी नहीं दिया। कहे 1 महीने का टाइम दिया था लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं किया। अच्छा, तो आप चंडीगढ़ में यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 4 नंबर? मुझे 4 नंबर में मुझे 40 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, 40 साल रह गए हो गए हैं। और ये शुरू कब हुई थी, मकान मिलने की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? ये 2006 में शुरू हुई थी। अच्छा, हाँ जी। और ये उसके बाद यहाँ बीच में शुरू भी हुआ था, इन्होंने फॉर्म भी अपने भरवाए थे और इन्होंने कहा था कि हम अब मकान देंगे। तो भाजपा के टाइम पे मतलब 2013 में सुनने को आया था कि इन्होंने शुरू हो गई थी, लेकिन पर 2014 में जब सरकार चली गई, तो इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे कि इसके बारे में जब इन्होंने इलेक्शन का टाइम आया तो कहे हमें जिताओ, हम आपको जो हमारी सरकार बनेगी हम आपको मकान जल्दी देंगे और पुनर्वास कराएंगे आप लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को। लेकिन उसके बाद में 5 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने जो है फार्म पैसे वगैरह जमा करा लिए और सब कुछ करा लिए, उसके बाद में कहे अभी 1 महीने का 2 महीने का टाइम इसी तरह करते करते ही टालते रहे। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि पजेशन और अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पर चाबी अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली। तो उन वहाँ से कोई प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि या कुछ उन्होंने कहा है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, कहते 2-3 महीने के बाद। अच्छा, 2-3 महीने के बाद जी। तो और 4 नंबर में आपको और क्या समस्याएं हो रही है इसके अलावा? 4 नंबर में समस्याएं हमारे बहुत हैं। यहाँ पर पानी की दिक्कत हो रही है, लाइट की वो प्रॉब्लम है। अच्छा, और यहाँ पर बरसात होती है तो पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत गंदगी हो जाती है। अच्छा। तो सरकार से कई बार और भी लोगों ने कहा, कई बार इंक्वायरी कराई, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की और कुछ कॉलोनी वालों की ऐसी समस्याएं हैं जो मजबूर हैं। मलोए में जैसे मान लीजिए आपको मकान मिल जाता है तो यहाँ पे आप उनका अच्छा काम चल रहा है तो वहाँ जा कर के आपका कुछ काम में मतलब सुविधा होगी कि आप वहाँ पे कुछ काम ढूंढेंगे? वहाँ जा कर के काम ढूंढना पड़ेगा सरकार को। ऐसे में हम सब कॉलोनी वासी जो है एक वो करते हैं, एक यूनियन बनाई गई है कि कॉलोनी वालों को वहीं पर काम दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है जो लाइसेंस के बारे में है, हम लोग 500 रुपये महीना हम लोगों से लिया जा रहा है और उन्होंने कहा है आपको जगह देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन यहीं पर सीमित है, अभी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अच्छा, आप तो आपकी दुकान है? जी हाँ। तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी चाय की दुकान है जी। अच्छा, चाय की दुकान। हाँ जी। तो वहाँ पे कोई जगह दी हुई है कि आपको वहाँ पे आपको जा करके आप वहाँ पे अपना काम कर सकेंगे? नहीं, अभी कोई जगह नहीं दी हुई है जी। अच्छा, चलिए आइए अब हम और लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम पहले? और कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 4 साल यहाँ पर रह रहे हैं। 1989 से। 1989 से। तो ये 4 नंबर की क्या समस्या है जो आप बताने? समस्या यहाँ बहुत कुछ है। बिजली, पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है लोगों के मकान के लिए 2006 से, मतलब जो अभी तक मतलब जो मकान अलाटमेंट हुआ नहीं। अच्छा, क्या नाम है, जो चाबी अभी जो है अलाटमेंट हो गया। अच्छा, ये तो कह रहे थे कि पजेशन लेटर और अलाटमेंट तो दे दिया है तो चाबी नहीं दी है। चाबी नहीं दी है तो क्या कब कह रहे हैं कि कब देंगे ये? अब कब देंगे इसका कोई पता नहीं है, इलेक्शन के बाद बोल रहे थे। अच्छा, इलेक्शन के बाद? हाँ, इलेक्शन के बाद। तो कोई किसी मतलब कि आपकी कोई मीटिंग हुई हो कि कुछ लोगों की, जैसे कि आप जाएंगे प्रशासन के पास जाएंगे लेटर लेकर के इसके बारे में बोलने के लिए? इसके लिए लेटर के लिए जो है वो बोले जो खुद हम फ़ोन करके बुला लेंगे। अच्छा, जब तो आपका चाबी देना होगा मैं खुद लेटर बुला लेंगे फोन करके। अच्छा, मतलब कि कहाँ? हाउसिंग बोर्ड? हाँ, हाउसिंग बोर्ड नाउ सेंटर से। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि वो आपको फ़ोन करके बुला लेंगे? हाँ, फ़ोन करके बुला लेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ पे अभी क्या काम कर रहे हैं? आप यहाँ पे अपना काम करते हैं।
क्या चीज़ का नाम है? समोसे का काम। अच्छा, समोसे का काम। वहाँ पे जैसे कि आप मलोया में आपको घर मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको दुकानें मिली हुई है, अलॉट हुई है कुछ की आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो आप जाकर के सीधे लगा नहीं सकते, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी तो दुकानों के लिए कोई परमिशन नहीं है, मतलब जो परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ से जाने के बाद में, दुकान की मिलता है जगह नहीं मिलता है, अब कुछ कारण प्रशासन के बात है। अच्छा, प्रशासन के बारे में। तो और कितने परिवार आप लोग, कितने परिवार हैं? हम लोग यहाँ छः परिवार हैं। अच्छा, छः परिवार हैं। तो यहाँ छः परिवार के, जैसे कि आपको एक ही तो रूम एक ही मिलेगा? हाँ, रूम एक ही मिलेगा। अच्छा, रूम में तो न दरवाज़ा लगा हुआ है अंदर, न कुछ है, खुला वैसे रूम बना कर दिया हुआ है। किचन है, रूम है, साथ के साथ एकदम ऐसे सीधा सीधी है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि क्या कितना बड़ा घर चाह रहे थे आप? घर चाह रहे थे जो जैसे डबल रूम है तो उसमें पानी पुनी सब होना चाहिए, किचन अलग होना चाहिए। अच्छा। किचन जो है अलग है, नहीं सब साथ ही में है। अच्छा, तो आप वहाँ गए थे देखने के लिए जैसे? हाँ, गए थे देखने, गए थे वहाँ। दरवाज़ा दरवाजा लगा नहीं है, मेन गेट में लगा हुआ है दरवाज़ा, बाहर वाले में, अंदर वाले में किसी में दरवाज़ा और नहीं लगा है। मतलब कि वहाँ पे जो आपको मकान भी मिला भी है तो उस बिल्कुल अच्छे से नहीं, मतलब कि कुछ भी आपको तैयार करके नहीं मिल रहा है? तैयार करके नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बस सिंपल रूम बना कर छोड़ दिया हुआ है। वो सब अपना काम कराना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाकर व्यवस्था होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जैसे वहाँ की कोई भी पूरी व्यवस्था करके इनको घर नहीं मिल रहा है, वहाँ जा करके इनको खुद से ही पैसे लगा करके काम करवाना पड़ेगा। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ, मैं चंद्र प्रकाश, अर्थ प्रकाश टीवी के लिए।